मोहल्ले जी आप म्यूट में है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, किस किस को थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी है? न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के फायदे क्या है? एक शब्द में या एक सेंटेंस में कोई कुछ बता सकता है? हाँ नरेंद्र जी, सीमा जी। इट्स साइंस ऑफ नंबर्स जो हमें यानी के गाइड करती है, यानी के कौन से डिसीजंस लेने। वेरी गुड। ओके, शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम अरिहंत राज है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और लगभग 13 साल से मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, अकल्ट साइंसेस से, खास करके वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ मैं। और काफ़ी सारे चीज़ों में अपने अपने रेमेडीज, यानी कि न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में भी अपना खुद का रेमेडीज मैन्युफैक्चरिंग मैं करता हूँ। तो वही कुछ चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी मतलब, न्यूमरोलॉजी यानी कि ए गेम ऑफ नंबर्स, ए गेम ऑफ नंबर्स या ए गेम ऑफ अल्फाबेट्स भी आप कह सकते हो। सो बर्थ डेट वी नेवर नो, डेथ डेट ऑल्सो वी नेवर नो, क्योंकि हम लोग, कोई भी व्यक्ति का जो बर्थ होता है वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, या तो फिर उसका डेथ डेट है वो भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट रेस्ट ऑफ द थिंग, तो बर्थ से लेके डेथ तक जो भी ड्यूरेशन है, टाइम है, या कुछ भी कह लो आप, वो हमारे कंट्रोल में रह सकता है और हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सबको पता है हमारे डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर्स होते हैं, 8 नंबर्स, 8 डिजिट्स या 8 नंबर्स। कोई व्यक्ति का 12 फरवरी 1983 को जन्म हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप सारे नंबर्स को काउंट करेंगे तो 1202 1983, यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 डिजिट्स है नंबर्स में। और हमारे नंबर्स में, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स में 1 to 9 हम महत्वपूर्ण नंबर्स मानते हैं, 1 to 9 नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स, क्योंकि 1 के बाद, यानी कि 9 के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो फिर हम लोग उसको एडिशन करते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं 10 नंबर की, दैट बिकम्स 1 + 0 = 1। 12 नंबर की अगर हम बात करें तो 1 + 2 = 3। 14 नंबर की अगर हम बात करें तो 1 + 4 = 5। तो इसी तरीके से जितने नंबर्स 10 के बाद आएंगे वो सारा एडिशन होकर एक सिंगल डिजिट पे पहुंचेगा। तो ओवरऑल हमारे लाइफ में 9 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो सभी जानते हैं, और उसी तरीके से हमारे लाइफ में एक 9 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स भी हैं जो हमें रूल करते हैं। 9 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स कौन से हैं? सन, मून, मार्स, राहु, मर्क्यूरी, वीनस, केतु, सैटर्न और मार्स। तो हर एक नंबर एक प्लैनेट डिनोट करता है, हर एक प्लैनेट एक नंबर को डिनोट करती है। तो सबसे पहले जो नंबर हम लोग बात करते हैं या शुरुआत होती है वो है नंबर 1 का। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 सूर्य है, सर नंबर 1 ही सूर्य है, और नंबर 1 आपका पिता भी है, फादर है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है, जो भी गवर्नमेंट से ताल्लुकात है, ये सारा चीज नंबर 1 डिनोट करती है।
उसी तरीके से नंबर टू, नंबर टू आपका मदर को कहा जाता है, मदर यानी कि फीमेल एनर्जी, और नंबर टू वाले थोड़ा बहुत ड्यूअल माइंडेड होते हैं और थोड़ा बहुत इमोशनल भी होते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज हैं, बट थोड़ा बहुत इनका माइंड जो है चंचल रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है। नंबर थ्री, हम लोग नंबर थ्री को जुपिटर कहते हैं यानी कि गुरु, और इनके क्वालिटीज जो है हमेशा नॉलेज, नॉलेज गेन करने के क्वालिटीज इनमें रहता है। नंबर फोर राहु है, राहु यानी कि राहु में दो चीजें हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव राहु है। पॉजिटिव राहु हमेशा एक पॉजिटिविटी के नाते, पैसा हो या नॉलेज हो या हिडन सीक्रेट्स हो, जो भी है उसको गेन करने के लिए कोशिश करता है, और नेगेटिव राहु अलग अलग नेगेटिव चीजों में उलझा हुआ रहता है। नंबर फाइव मर्क्यूरी का है यानी कि बुध का है। बुध क्या देगा हमें? बुध नॉलेज देगा, ज्ञान देगा हमें, और जो भी नॉलेज है हमारा, जो भी पढ़ाई है हमारा, जो भी आज आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हो, ये सारा चीज बुध का ही है, नॉलेज का ही है। और नंबर सिक्स, सिक्स शुक्र का है यानी आपका वाइफ भी है, और शुक्र, जब भी हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र है लग्जरी, तो शुक्र है पैसा, शुक्र है आपकी ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटीज, शुक्र है आपका रेगुलर इनकम, शुक्र है आपका मनी फ्लो। और नंबर सेवन, सेवन केतु है, और सेवन नंबर जो है मेजरली रिसर्च को डिनोट करता है, रिसर्च फैशन को भी डिनोट करता है ये, और जितने भी लोग हैं जैसे कि अकल्ट साइंसेस में कोई भी साइंस हो, चाहे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी है, इनके लिए कुछ नंबर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट नंबर है नंबर सेवन। नंबर सेवन के बगैर कोई भी रिसर्च नहीं कर सकता है या कोई भी अपने काम को आगे लेके नहीं जा सकता है। नंबर सेवन बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। और नंबर एट की बात करते हैं, नंबर एट तो शनि है, ये सब जानते हैं, और शनि धर्म का पालन भी करता है। शनि क्या है? धर्म का पालन करता है, और शनि क्या है? आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं जैसे कि आपकी गाड़ी है, बंगला है, आपका प्रमोशन है, आपका बिजनेस है, चाहे कुछ भी हो, ये सारा चीज आपको देता कौन है? शनि देता है। शनि के पीरियड में ज्यादातर आपको मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स मिलते रहते हैं। और आखिरी नंबर है नौ नंबर, नौ नंबर यानी कि मार्स का, मंगल का नंबर है, बहुत शुभ नंबर है ये, और सब जानते हैं कि नंबर नाइन का कितना महत्वपूर्ण है। नाइन प्लैनेट्स है हमारे पास और 27 नक्षत्र से, 2 + 7 अगर हम लोग उसको ऐड करेंगे तो फिर वो होगा नाइन। तो उसी तरीके से हम लोग 108 का जो, हम लोग कोई भी मंत्र का जाप जो करते हैं 108 बार जो करते हैं, 108 यानी कि 1 + 8 = 9, सो नाइन के, नाइन नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो ये तो एक बेसिक हो गया है 1 to 9 नंबर्स के बारे में कि कौन सा प्लेनेट क्या डिनोट करता है और कौन सा नंबर हम लोगों को क्या देती है। उसके बाद आता है मेथोडोलॉजीज। अभी बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि न्यूमरोलॉजी, जब भी हम लोग बात करते हैं न्यूमरोलॉजी, हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ नाम करेक्शन है। नाम करेक्शन के अलावा न्यूमरोलॉजी में काफी सारे चीजें हैं जो आज आपको इस क्लास के माध्यम से कुछ जानने की कुछ जानने के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगा आज। तो हर कोई क्या करता है, न्यूमरोलॉजी यानी कि नेम करेक्शन, नेम करेक्शन कर दिया, न्यूमरोलॉजी हो गया। बट कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए या अपने लाइफ को एनहेंस करने के लिए, अपने लक को एनहेंस करने के लिए, अपने बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए, उसके पीछे एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस जरूर होना चाहिए। सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं? सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस कुछ लोगों का
बाय बर्थ बाय बॉर्न कुछ लोगों का सक्सेसफुल नंबर्स और सक्सेसफुल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और कुछ लोगों का जो सक्सेसफुल नहीं है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ कमी है या इनके नेम में कुछ कमी है, ए लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने नेम करेक्शन करवाना, या तो फिर कोई भी नंबर्स रिलेटेड, यानी कि सेलफोन नंबर हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है, या गाड़ी का नंबर हो सकती है, ऐसे नंबर से इनके लाइफ को ट्रीट करके, यानी कि रेमेडी करके लाइफ को एनहांस करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो मैं दोबारा ये सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ नेम करेक्शन नहीं है, नेम चेंज नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है नंबर्स में। सुबह जब हम उठते हैं तो पहली बात हम लोग क्या करते हैं, पहली बात उठने के बाद हम लोग टाइम देखते हैं, टाइम एक नंबर हुआ, और अपने अपने ऑफिस पहुंचने में या तो फिर अपने अपने क्लाइंट्स के पास पहुंचने में आपका एक डिफाइंड टाइम होती है, यानी कि 10 बजे 11 बजे या 12 बजे जो भी टाइम आप सिलेक्शन करते हो अपने क्लाइंट के लिए। तो ये भी हमारे लाइफ में मैटर करता है कि मतलब कौन से टाइम में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कौन से टाइम में हम लोग क्लाइंट का अपॉइंटमेंट दिए हैं, और कौन से टाइम में हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। एवरीथिंग मैटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ में जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर्स होते हैं, 8 डिजिट से 8 नंबर्स कह लो, 8 नंबर्स होते हैं। इन 8 नंबर्स में पहला जो 2 नंबर्स है, यानी कि आपका बर्थडे है, बर्थडे की मैं बात कर रहा हूँ, बर्थडे है, बर्थडे में चाहे वो सिंगल डिजिट का हो डबल डिजिट का हो, उसको हम लोग ऐड करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आना है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का 17 तारीख का जन्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 17 को जन्म हुआ है, 1 + 7 = 8, तो इस 8 नंबर को हम लोग बर्थ नंबर कहते हैं, बर्थ नंबर। कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग मोडालिटीज में अलग अलग नाम लोगों ने दे रखा है, अल्टीमेटली वन एंड द सेम, मगर हमारे मेथोडोलॉजी में हम इसे बर्थ नंबर कहते हैं। और जब हम लोग सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ था 12 फरवरी 1983, यानी कि 12 फरवरी 1983, तो उस समय में 1 + 2 = 3, यानी कि बर्थ नंबर जो है उस व्यक्ति का 3 नंबर होगा, और 1983, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि इस व्यक्ति का जो डेस्टिनी नंबर होगा वो है 8। आप पूछेंगे कैसा है 8? तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सारे डिजिट्स को प्लस करना चाहिए, प्लस करने के बाद आपको एक 2 डिजिट्स का और एक नंबर आएगा, उस 2 डिजिट्स को भी आपको एक सिंगल डिजिट पे लेके आना होगा। यू हैव टू एड ऑल योर नंबर्स एंड ब्रिंग इट ऑन टू योर सिंगल नंबर, दैट इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनी नंबर। सो इन आवर लाइफ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर बोथ ऑफ दम आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे विल बी विद अस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, वो हमेशा हमारे साथ में ही रहेंगे, हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। क्योंकि बर्थ नंबर जब भी हम लोग बात करते हैं, बर्थ नंबर के टाइम में हमारा जो जीवन है 25-30 साल तक लगभग हमारे लाइफ को हमारे बर्थ नंबर रूल करेगा। अगर आप देखेंगे लकीली आपका गाड़ी नंबर का जो आएगा, अगर आप टोटल करेंगे 4 डिजिट का गाड़ी का नंबर अगर आप टोटल करेंगे, या कोई भी मोबाइल नंबर आप अगर आप टोटल करेंगे, ज्यादातर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं से हमारे लकी नंबर पे ही उस नंबर्स आने का चांसेस है, और ये नंबर हमारे लाइफ में लगभग 25 ईयर से लेके 30 ईयर्स तक ये रूल करेगा। और रूल करते करते व्यक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, व्यक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मतलब एक नॉर्मल आदमी से एक बिजनेसमैन,
या तो फिर एक छिछोरा से एक अच्छा इंसान, या तो फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक, या तो फिर जॉब से फिर बिजनेस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड जो है, ये 3 साल से लेके 5 साल तक रहेगा। अगर आप सबकी एक बार अपनी स्कूल डेज या कॉलेजेस अगर मैं याद दिला दूं, तो हमारे मतलब स्कूल में या कॉलेज में भी हमारे कोई ना कोई एक तो चिचोरा बंदा रहता था, तो और कुछ लोग ज्यादा हंसी मजाक करते थे, या किसी को अपने लाइफ में कुछ सीरियसनेस नहीं था उस समय में। धीरे धीरे करके देखा तो जिस बंदे का सीरियसनेस नहीं है, वो बंदा आज एक कंपनी का सीईओ है। जो बंदा चिचोरा था, आज वो एक बड़े कंपनी में कुछ मैनेजर है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ में उसी वक्त होता है जब हमारे लाइफ बर्थ नंबर से जाकर डेस्टिनी नंबर रूल करना शुरू कर देता है। और काफी सारे लोग आते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, हालांकि मेरे पास भी दिन में तकरीबन 5-6 कॉल आते हैं अलग अलग समस्या को लेकर। हर कोई बात करता है तो बात करते हैं अपने लक के बारे में, बोलता है कि सर मेरा लक ठीक नहीं है, लक ठीक नहीं है, लक ठीक नहीं है। लक ठीक नहीं है यानी कि व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना बर्थ नंबर के बारे में बात करता है। तो आपको उस व्यक्ति का जो लकी नंबर होए, फर्स्ट जो लकी नंबर हो सकता है वो है उसका बर्थ नंबर। तो उसके चाहे बैंक अकाउंट नंबर हो, गाड़ी नंबर हो, घर का नंबर हो, या कोई भी नंबर, यानी कि मैं लोगों को ये भी टिप देता हूं कि कितना गाड़ी में पेट्रोल भरा है, रेस्टोरेंट में आपको टिप कितना देना है, अगर किसी को दान दे रहे हो तो कितना पैसा दान देना है। क्योंकि देखो हर एक चीज हर एक जगह पे एक नंबर ही रूल कर रहा है। उस नंबर को पकड़ना चाहिए हमको जो नंबर हमारे लिए फायदा हो और जो नंबर हमारे लाइफ को चेंज कर सके। तो जो भी व्यक्ति आता है उसको पहले क्या है, उसका लक एनहांसमेंट करने के लिए उसका बर्थ नंबर को पकड़ना चाहिए। देखिए और एक चीज, कुछ लोगों को आजकल स्पेशली कोरोना के बाद सब लोगों को ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गया कि मेरे लक बढ़ाना है, मेरे लक एनहांस करना है, ये तो फिर मेरा लाइफ चेंज करना है, तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चला जाता हूँ और कुछ चेंजेस, नेम करेक्शंस वगैरह करवा लेता हूँ और मेरे लक बदल जाएगी। देखिए न्यूमरोलॉजिस्ट कोई सुपरमार्केट में कोई वस्तु नहीं है, और जो सर्विस आप ले रहे हो वो सुपरमार्केट में कोई वस्तु नहीं है कि जैसे हमने गया पेमेंट कर दी और वहां से प्रोडक्ट उठा के लेके आया और नेक्स्ट डे हम लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका भी एक ड्यूरेशन है जो अपने दम पे वो रिजल्ट देगा आपको। फर्क इतना ही है, कुछ लोगों में 10 दिन या 5 दिन में फर्क दिखने लगेगा और कुछ लोगों में 2 महीने, 3 महीने, और कुछ लोगों में 6 महीने भी लग सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां हो सकता है वहां वहां उस नंबर का इंपॉर्टेंस देकर उस नंबर को यूज करने के लिए कहते हैं। ये हुआ मेरा पहला फेस। दूसरी फेस में हम लोग डेस्टिनी नंबर यानी कि अलग अलग दौर से इसको कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। तो इस नंबर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर यानी कि आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि 25+ के बाद आपका जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, ये लाइफ जो लीड करेगा वो है आपका डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या करेगा, डेस्टिनी नंबर आपके लाइफ में जो ऑब्स्टैकल्स है, आपके लाइफ में जो समस्याएं हैं, आपके लाइफ में जो भी संकट आ रहे हैं, उन सारे चीजों को दूर करने का जो शक्ति है वो है आपके डेस्टिनी नंबर को। तो डेस्टिनी नंबर कैसे फिगर आउट करना है मैंने आपको शुरुआत में भी कह दिया है, फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। डेस्टिनी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 डिजिट्स का नंबर आएगा। उस
दो डिजिट्स का नंबर को फिर और एक ऐड मतलब सिंगल डिजिट पे अगर आप लेके आएंगे वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। तो एक चीज आपको ध्यान देना है वो है कि हर एक नंबर हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके से हर एक नंबर से भी हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है। वो कैसा? वो ऐसा है कि आपके लाइफ में आपके डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंगली आपके कुछ लकी नंबर्स होते हैं और कुछ अनलकी नंबर्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति 4 तारीख में पैदा हुआ है, 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख या 31 तारीख, जो जो भी टोटल 4 होता है, उस डेट में अगर बंदे ने जन्म लिया है, एक चीज ध्यान देना, ये नंबर 4 रहने के बावजूद भी नंबर 4 को देख समझकर हम लोग एनहेंस करना चाहिए। चाहे वो आपका लकी नंबर हो, चाहे आपका डेस्टिनी नंबर हो, चाहे आपका बर्थ नंबर हो, नंबर 4 को देख समझकर हम लोग एनहेंस करना चाहिए। क्योंकि 4 नंबर आपके लाइफ में कभी कभार कंफ्यूजन्स भी ला सकता है, झगड़े भी ला सकता है, स्ट्रगल्स भी ला सकता है और हेल्थ इश्यूज भी ला सकता है, एक्सीडेंट्स भी दे सकता है नंबर 4। तो आपको नंबर 4 को देख समझकर एनहेंस करना होगा। और बात आती है नंबर 7 की। नंबर 7 जो है एक अच्छा नंबर, बट हम नंबर 7 को कहीं पर भी डायरेक्टली एनहेंस नहीं करते हैं, जैसे कि किसी के नाम के टोटल में या मोबाइल नंबर के टोटल में या गाड़ी के नंबर में टोटल में हम 7 नंबर को लेते नहीं हैं। क्योंकि 7 नंबर क्या करेगा, डिसकनेक्शन देगा। डिसकनेक्शन यानी कि आप जिस काम से जा रहे हो उस काम से डिसकनेक्शन देगा, या तो फिर अपने लाइफ में डिप्रेशन देगा। और ये नंबर थोड़ा आपको मैरिड लाइफ में भी इश्यूज क्रिएट करेगा। और उसके बाद आता है नंबर 8। नंबर 8 यानी कि जब भी हम 8 नंबर की बात करते हैं, याद रख लेना ये 8 नंबर आपके लाइफ में ऑब्स्टकल्स लेके आएगा, यानी कि आपके लाइफ में रुकावट लेके आएगा, संकट लेके आएगा। तो 8 नंबर को हम लोग एनहेंस नहीं करते हैं, तो हम लोग उसके कुछ अलग अलग मीडियम से जहां पर हम लोग 8 नंबर को एनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, ये तीनों नंबर हम हमारे बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर या लकी नंबर में रहने के बावजूद भी हम लोग नेम नंबर में, मोबाइल नंबर में, गाड़ी नंबर में या घर का नंबर में हम लोग नहीं देते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज, हम हमारे नाम जो है, नाम जब भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं उस नंबर्स के जो अल्फाबेट्स है, उस अल्फाबेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उस मेथड का नाम है चैल्डियन न्यूमरोलॉजी। चैल्डियन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर 1 to 8, 1 to 8, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जहां पर हमारे नंबर्स जो है 1 to 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चैल्डियन सिस्टम में नंबर 9 का कोई भी अल्फाबेट्स नहीं है, क्योंकि हम लोग नंबर 9 को एज ए डिवाइन नंबर मानते हैं, एज ए गॉड नंबर मानते हैं। उस नंबर को कोई भी अल्फाबेट नहीं है। तो हमारे जो नाम का एक एक अल्फाबेट है, उस एक एक अल्फाबेट का जो नंबर्स है, उस नंबर्स को हम लोग डिकोड करना चाहिए। डिकोड कैसे करेंगे? हम लोग डिकोड करेंगे अपना नाम लिखकर उसके जो नंबर्स है उसके साथ में हम लोग डिकोड करेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आप ये हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो फिर अगर किसी को याद है तो इट्स वेल एंड गुड। मैं दूसरी टैब से मैं आपको नंबर्स और इसका डिकोडिंग कैसे कराना मैं सिखाता हूँ आपको। 1 सेकंड।
सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, चैट बॉक्स में यस करें, या तो फिर जो ऑफलाइन है ऑफ कैमरा है वो एक अपना थंब थंब्स अप दिखा दे। स्क्रीन दिख रहा है सबको? वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो जैसे मैंने कहा कुछ अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं वो अभी हम देखते हैं इसके क्या क्या ये होता है। तो ये टोटल हमारे लाइफ में 8 नंबर्स हैं और 8 नंबर्स के कुछ लेटर्स हैं, वो लेटर्स देखते हैं। ए के कैटेगरी में ए आई जे क्यू वाई इस कैटेगरी में आएंगे, और बी के आर टू नंबर्स के कैटेगरी में आएंगे, सी जी एल एस ये 3 नंबर के कैटेगरी में आएंगे, और डी एम टी नंबर 4 में, एच ई एन एक्स वी यू डब्ल्यू ओ जी एफ पी। तो ये सारे नंबर्स के जो अल्फाबेट्स है या अल्फाबेट्स के जो नंबर्स है ये है। तो आज अभी हम लोग एक सैम्पल देखते हैं कि कैसे डिकोड करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए एक नाम लेते हैं हम लोग, मेरा कंपनी का नाम लेते हैं अकल्ट किंग। अभी हमको क्या करना है, जो पहला वाला टेबल है उस टेबल से कंपेयर करना है और इसका नंबर जो है वो लिखना है। वो कहाँ पे आया है? नंबर 7 पे आया है, यानी कि यहाँ पर मैं 7 लिखूंगा। सी कहाँ पे आया है? सी नंबर 3 पे आया है, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, दोबारा 3 लिखूंगा। यू यू कहाँ पर आया है? यू आया है 6 नंबर के नीचे आया है यू, तो यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा। और एल कहाँ पे आया है? एल आया है 3 नंबर के कैटेगरी में, तो मैं 3 लिखूंगा। और टी कहाँ पे है? टी नंबर 4 के नीचे है, तो यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा। के कहाँ पे है? के आया है 2 के नीचे, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। और आई यहाँ पर 1 नंबर में आया है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। एन जो है यहाँ पर 5 में आया है, सॉरी 5 में आया है, तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा। और फाइनल लेटर इज जी, जी यानी कि नंबर 3 पे आया है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा। आई थिंक वी आर क्लियर टिल नाउ। तो अभी हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सारे नंबर्स को हम लोग एडिशन करना है, जैसे कि 7 + 3 + 3 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 + 5 + 3। 7 3 10 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। सो इसका जो टोटल होता है वो 37 है। ओके, अकल किंग का जो टोटल है होता है 37। मैंने क्या किया, इस 37 को फर्दर डिवाइड करने मतलब फर्दर एडिशन करने के लिए बोला था, तो 3 + 7 = 1। तो यानी कि इस कंपनी का ना जो नाम है वो आ रहा है टोटल 1 पे। क्लियर है ना, ये टोटल 1 पे आ रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को अगर जन्म लेता है, ये नंबर 1 डिनोट करते हैं। और इस नंबर वालों को जो नेम नंबर जो अच्छा सूट करता है वो है नंबर 19। और कम डिजिट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर 10, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28 को हम लोग अच्छा नंबर नहीं मानते हैं। अगर ऐड करेंगे तो 2 + 8 = 1 होता है, बट 28 नंबर एक अच्छा नंबर नहीं होता है। उसके बाद में हमारे लाइफ में आते हैं 37 नंबर। 37 नंबर ये बहुत ही अच्छा नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में इसे अकल्ट साइंस का नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये
गुरु और केतु यानी कि नॉलेज और रिसर्च, और टोटल इसका जो वैल्यू आता है वो है सूर्य, तो अच्छा नंबर माना जाता है इसको। और इसके बाद में जो नंबर है वो है 46। 46 एक बहुत अच्छा नंबर है, चाहे वो नेम नंबर हो या तो फिर कंपनी का नंबर हो या कोई भी हो, 46 एक बहुत अच्छा नंबर है। उसके बाद में 55, 55 एक बहुत बड़ा नंबर है। 55 में ज्यादातर हम लोग बिजनेस के जो मोबाइल नंबर्स होते हैं या कंपनीज के जो नाम होते हैं, हम लोग 55 पे रखने के लिए देते हैं, और बैंक के जो अकाउंट नंबर है वो भी हम लोग 55 पे करने के लिए देते हैं, क्योंकि 55 नंबर एक अच्छा सा बिजनेस नंबर है। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसीजर। हमको ये एक चैलेंज टेबल है जो इजीली अवेलेबल है, ये डेमो के बाद मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। सिंपल टेबल है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बट इसके कुछ अलग तरीके हैं जो हम लोग रिमेम्बर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चल जाएगा कि अगर हम लोग एच की बात कर रहे तो नंबर 5 है, अगर टी की बात कर रहे तो नंबर 8 है। ये धीरे धीरे करके आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। बट फिर भी एक छोटा सा टेक्निक आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैं इस टेक्निक से लोगों को सिखाता हूँ और मैं भी याद रखने की कोशिश करता हूँ। सिंपल टेक्निक जो है, नंबर 1 की जब भी अगर मैं बात करूँ तो उसको इनडायरेक्टली एक छोटा सा सेंटेंस में बताता हूँ। अपने सेंटेंस को अपनी सरल भाषा में लिख लेना, चाहे इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेज आपका है। तो नंबर 1 के अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो तो उसको एक हिंदी वर्ड है, वो हिंदी वर्ड जो है अजी क्यू, AIJQY, अजी क्यू। अजी क्यू से आपको शायद फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आपको सारे अल्फाबेट्स रिमेम्बर नहीं होंगे, बट धीरे धीरे करके अजी क्यू अजी क्यू अजी क्यू आंख बंद करके करेंगे तो सारे अजी क्यू आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं नंबर 2 का। नंबर 2 यानी कि BKR वहां पर लिखा हुआ है। BKR हिंदी का वर्ड, और एक मैं दूंगा BKR, आप बकरा करके लिख सकते हैं, ताकि BKR जो फर्स्ट 3 लेटर्स है, 3 अल्फाबेट्स है, वो आपको याद रहे। और 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, ये CGLS है। बचपन में हम लोग जब कंप्यूटर चलाते थे उस समय में एक प्रोग्राम हुआ करता था जहां पर CLS हम लोग लिखते थे। CLS में यानी कि क्लियर द स्क्रीन, तो वो वाला अगर आप याद रखते हो तो याद कर सकते हो, इसको कन्वर्ट करके CGLS कर लेना। और DMT को याद रखने के लिए सिंपल से ATM कर सकते हैं या पेटीएम कर सकते हैं, जिसमें T और M मिलता है, D को आपको याद रखना है, तो वहां पे आपको D का भी ये हो जाएगा, DTM, DMT, KTM या पेटीएम, जो भी आपको इजी है। और नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, नंबर 5 HENX यानी कि हेन, यानी कि मुर्गी, मुर्गी या मुर्गा, वट एवर इट इज, हेन को बाद में उसको एक्स कर लेना, वो हो जाएगा NX। और नंबर 6 को याद रखने के लिए व्यू, व्यू यानी कि अपना व्यू जो कहते हैं ना इंग्लिश वर्ड, वी व्यू, VUW व्यू। और नंबर 7 को याद रखने के लिए OZ, OZ को रिवर्स कर लेना, वो होता है जू, ZOZ, तो जू को रिवर्स कर लेना, वो नंबर 7 का है। और नंबर 8 FP, FP को रिवर्स कर लेना, वो होता है प्रोविडेंट फंड, PF। तो इस तरीके से अगर आप रिमेम्बर करेंगे तो सारे नंबर्स, सारे अल्फाबेट्स आपको बहुत इजी वे से आप याद रख सकते हैं। और डिकोडिंग का प्रोसीजर यही है, चाहे आप नाम का डिकोड कर रहे हो, कंपनी का नाम डिकोड कर रहे हो, या तो फिर कोई ब्रांड का भी डिकोड कर रहे हो, सारा चीज यही प्रोसेस है, यही प्रोसीजर है, और कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं है। हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, और चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 का कोई भी लेटर नहीं होता है, क्योंकि नंबर 9 डिवाइन नंबर होती है, नंबर 9 के लिए कोई भी अल्फाबेट नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान देना है आपको। शायद यहाँ तक तो सब्जेक्ट क्लियर होगा आपके लिए, और अभी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो अभी हमने देखा कि इसमें
बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, और बर्थ नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करें, और डेस्टिनी नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करें, बर्थ नंबर कहाँ यूज कर सकते हैं, डेस्टिनी नंबर कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और कोई भी नाम को डिकोड कैसे करना है, और एक एक नंबर के पीछे जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स का डिकोड यानी कि उस नंबर्स का जो डिकोडिंग है वो कैसे करना है, कोई भी नाम का, ब्रांड का या कंपनी नाम का, किसी का भी नंबर का डिकोड कैसे करना है, आज हमने देखा है। तो जब भी हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, काफी सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशंस में आपने देखा होगा, मैं अभी कुछ देर पहले भी कहा कि 19 नंबर यानी कि 19 नंबर अच्छा नंबर है, 10 नंबर अच्छा नंबर है, 28 नंबर अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, और 37 नंबर एक बहुत ही अच्छा नंबर है यानी कि इसको इसे अकल्ट साइंसेस का भी नंबर कहा जाता है, और 46 नंबर एक मास्टर नंबर है कंप्लीट न्यूमरोलॉजी में, 46 का बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में 55 भी बहुत इम्पोर्टेंट नंबर इसे कहते हैं, और बिजनेस नंबर भी कहते हैं इसे। नेम नंबर में यानी कि जो हमने नेम का जो टोटल किया है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर नेम नंबर उसे कहते हैं, नेम नंबर का किसी का भी नाम 65 या 75 से अगर नंबर जाती है तो उस नाम में उसकी जो पावर है, उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। यानी कि किसी किसी का लंबा नाम होता है, यानी कि खास करके साउथ इंडिया में वीरा वेंकट वर प्रसाद सूर्य नारायणा, वीरा वेंकट वर प्रसाद सूर्य नारायणा, दिस इज अ बिग नेम। जब इतना बड़ा नाम होता है इसमें क्या है, ओवल्स ज्यादा हो जाएंगे, जितने ओवल्स होंगे नाम का जो पावर है उतना कम होते जाएगा, इसीलिए हम लोग ओवल्स का इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए और उसको भी कंसिडरेशन करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति का जो नाम है 60 नंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उसको कट शॉर्ट करे या शॉर्टकट करे कुछ भी करे, बट नाम को शॉर्ट एंड स्वीट रखे ताकि वो एक पॉजिटिव नंबर पे हो और उस पॉजिटिव नंबर से हमारे लाइफ एनहांसमेंट हो। तो सबको आज मैं एक पॉजिटिव नंबर्स का एक लिस्ट दे देता हूँ, उस नंबर के ऊपर हमारा नाम हो या तो फिर हमारा कंपनी का नाम हो या हमारे ब्रांड का नाम हो या कुछ भी हो, ये चीज आपको उस वाले में फॉलो करना होगा। तो सबसे शुरू हम लोग करते हैं पहले 10 नंबर से, मैं आपको एक एक नंबर देते जाता हूँ, जो भी नोट कर रहे हैं नोट कर लेना, अगर कोई मिस आउट कर दिया तो ये रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो नंबर सबसे पहले नंबर 10, नंबर 14, 15, 19, 23, 24, 27, 32, 33, 37, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 55, 60। अगर किसी का भी नाम थोड़ा और लंबा है तो उनके लिए 64, उसके बाद में 68 और 69, एट द मैक्स 72 एंड 73 तक जा सकते हैं। इस नंबर्स के अलावा आपको दूसरा कोई भी नंबर चुनना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ देर पहले कि नंबर 1 यानी कि 28 का डेट ऑफ बर्थ है किसी का, 19 तारीख यानी कि 19 का डेट ऑफ बर्थ है किसी का, 10 नंबर 10th डेट का कोई बर्थ है किसी का या 1 का है, तो 1, 10, 19, 28 ऐड करने से सबका जो टोटल है आपको 1 ही मिलेगा, बट उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है। तो 1 नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, 10 नंबर 50-50 नंबर है यानी कि 50% लक और 50% स्ट्रगल्स या फेलियर्स। नंबर 19 एक बहुत ही अच्छा नंबर है, वेरी वेरी पावरफुल नंबर है नंबर 19। तो उसके बाद में आता है नंबर 28। 28 एक स्ट्रगलिंग नंबर है इनके लाइफ में, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज पर्सनल लाइफ इश्यूज रहेंगे, और दूसरा चीज इनके ऑफिस में भी इश्यूज रहेंगे, तो नंबर 28 को हम लोग एक अच्छा नंबर नहीं मानते हैं। अगर नंबर 28 पे किसी का नाम आ रहा है, उस नाम को करेक्शन करने के लिए
हम लोग उससे पहले वाला नंबर यानी कि 27 पे लाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर उसके वाले अगला नंबर जो मैंने टोटल दिया आप लोगों को यानी कि 32, 33 या 37 पे उस व्यक्ति का नाम ले जाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये हो गया नेम नंबर का जो टोटल है वो आपको क्या लेना चाहिए। बात हम लोग करते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जो टोटल है उस टोटल से क्या होगा, उस टोटल से क्या होगा, उस टोटल से हमारे लाइफ आधारित है। कहाँ कहाँ पे आधारित है, जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे एक्टिविटीज यानी कि आपके मोबाइल नंबर, आपके कार नंबर, आपके घर का नंबर और आपका नेम नंबर, हर जगह पे ये काम आता है। तो नाम को हमने सही कर लिया है और कहाँ कहाँ पे हमारे लक को एनहांस कर सकते हैं, उसके बाद में आता है हमारे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती है या तो फिर नेगेटिविटी भी ला सकती है, या तो फिर हमारे लाइफ को और रुइन कर सकती है यानी कि बर्बाद भी कर सकता है। ज्यादातर आजकल जो सिस्टम आ रहा है पूरा फ्लैट कल्चर, फ्लैट फ्लैट का कल्चर चल रहा है फ्लैट्स का, और फ्लैट्स में सब लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, और कोई पसंद नहीं करता फिर वो सीढ़ी चढ़े, तो सब लोग लिफ्ट का सिस्टम चल रहा है। लिफ्ट का सिस्टम चलने के बावजूद भी आजकल लोगों को 30-35 साल में घुटनों का दर्द आ रहा है। घुटनों का दर्द आपके मोबाइल नंबर में एक कॉम्बिनेशन होती है, वो कॉम्बिनेशन से भी आ सकती है। कॉम्बिनेशन है 97 या 79, ये नंबर कहीं पर भी हो सकता है, शुरुआत में, बीच में, एंड में, कहीं पर भी हो सकता है। 9 और 7 साथ में होना चाहिए, 7 या 7 और 9 साथ में होना चाहिए, बस ये दोनों अगर साथ में हैं तो आपके अपने लाइफ में घुटनों का दर्द 100% कन्फर्म। और ये भी सुनने में आता है कि सर स्पाउस का हेल्थ इश्यूज काफी है तो बार बार बीमार पड़ती है, तो उसका कुछ इलाज बताइए। ऐसे जब केसेस आपके पास आते हैं तो देख लेना उस व्यक्ति के जो मोबाइल नंबर में या लैंडलाइन नंबर में, या तो उसके वाइफ के मोबाइल नंबर में या लैंडलाइन नंबर में 7-6 या 6-7 का कॉम्बिनेशन होते हैं। कहीं पे भी हो सकता है, शुरुआत में, मिडिल में, कहीं पर भी 7 और 6 साथ में होना चाहिए, 6-7 या 7-6 होना चाहिए, ये होने से स्पॉज का हेल्थ इश्यूज आएंगे। और एक कॉम्बिनेशन है, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है, 4884। 4884 जो अकल्ट साइंसेस से जुड़ा है, उसके अलावा डॉक्टर्स, उसके अलावा कुछ डिजिटल मार्केटिंग लोग, उसके अलावा कुछ रियल एस्टेट के लोग, इनके अलावा अगर कोई भी नंबर 4884 की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो उनके लाइफ में रेगुलरली हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज रहेंगे और मेजर हेल्थ इश्यूज रहेंगे, एक्सीडेंट्स, और हमने किसी किसी के नंबर्स में डेथ भी देखा है 4884 से। और एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से व्यक्ति का पैसा फंस जाता है मार्केट में, चाहे वो नोन पीपल है, अननोन पीपल है, बिजनेस है, कुछ भी है, फाइनेंस का धंधा करता है, कुछ भी करता है, अगर इनके मोबाइल नंबर में 8558 स्टार्टिंग में, एंडिंग में, मिडिल में, कहीं पर भी हो, 8558 या 3883 ऐसे नंबर्स होने से क्या होता है, इनके मोबाइल नंबर में तो पैसा भी फंसता है और ये लिटिगेशंस में भी फंस जाते हैं। लिटिगेशंस छोटे छोटे कोर्ट केसेस, या तो फिर डिफॉल्टर्स, कई के डिफॉल्टर्स, डिफॉल्टर्स होते हैं अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए, डिफॉल्टर्स होते हैं अपने मोबाइल बिल पेमेंट के लिए, पोस्ट पेड बिल पेमेंट के लिए, छोटे छोटे बिल पेमेंट्स का जो डिफॉल्टर्स बनते हैं ना, ये यही लोग करते हैं। और एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर 9449 जो बोलते हैं, हालांकि BSNL जो फेल्यूर हुआ था, BSNL फेल्यूर हुआ है इसके वजह से ही, यही नंबर सीरीज के वजह से, वो 9440, ये सीरीज बहुत खतरनाक सीरीज है। जो भी नंबर, ये नंबर को यूज किया है, जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में अभी तक स्ट्रगल करते करता रहा है, अभी तक, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, 9444 सीरीज,
ये रिसर्च के दौरान मैं दो तीन BSNL के मैनेजर से भी बात कर चुका हूं और उसको लाइव मैंने प्रूव भी किया है कि 9440 जो भी व्यक्ति यूज करता है, यानी कि 94 सीरीज जो भी यूज करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति के जो लाइफ है वो प्रॉपर नहीं होगा और उसका ग्रोथ नहीं हुआ है। और जो व्यक्ति BSNL में काम करते करते जो बाकी और जो नेटवर्क से एयरटेल वोडाफोन जो भी कह लो, उस नंबर का जो उस नेटवर्क का जो नंबर लिया है उस व्यक्ति का प्रमोशन हो गया। यानी कि ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ अलग नंबर से प्रमोशन हुआ है, ये नंबर से प्रमोशन नहीं हुआ है, इस नंबर से भी प्रमोशन हुआ है। बहुत बहुत कम लोगों का प्रमोशन हुआ है, बहुत कम लोगों का तरक्की मिला है। तो 9449 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके लाइफ में लेबोरियस वर्क करवाता है और हॉस्पिटल के पीछे दौड़ाता है आपको, और कोर्ट केसेस भी देने का चांसेस है इस नंबर 9449 का। तो इसी तरीके से कुछ नंबर से आप अपने लाइफ में देख समझकर यूज करना होगा। अगर यदि आप ज्यादा इस नंबर्स को एक्टिवेट करेंगे नोइंगली अननोइंगली, तो आपके लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग मोबाइल नंबर का टोटल्स के बारे में भी एक अंदाजा ले लेते हैं। मोबाइल नंबर का टोटल हमेशा आपका फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली नंबर्स में मैंने शुरुआत में भी कहा है कि टोटल 4 7 8 नहीं होना चाहिए। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8 नहीं होना चाहिए। बाकी का जो भी नंबर है 1 2 3 5 6 9, ये सारे के सारे नंबर्स आपके मोबाइल में हो सकते हैं। और खास करके मैंने ये भी नंबर्स देखते हुआ आया है अपने रिसर्च में, ज्यादातर लोग जीरोस रखते हैं, एंड में भी जीरो रखते हैं, बीच में भी जीरोस रखते हैं। जीरो आपको हीरो भी बनाता है और जीरो भी बनाता है। आपको ये पता चलना चाहिए कि वो जीरो कहाँ पे कैसे यूज करे। कुछ लोगों का ख्वाहिश ये रहता है कि अगर मैं मल्टीपल जीरो ज्यादा रखूं अपने मोबाइल नंबर में, लोगों को याद रखने में आसानी होगी। हम लोग मोबाइल यूज कर रहे खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए नहीं, ये चीज आप ध्यान देना। और किसी किसी का नंबर्स फैंसी भी होते हैं, जैसे कि 555666, 5566, 11555666, कुछ नंबर्स बहुत सारे फैंसी भी होते हैं। फैंसी नंबर्स आर नॉट योर लकी नंबर्स, लकी नंबर्स आर नॉट योर फैंसी नंबर्स, ये चीज आप ध्यान रखना चाहिए। आपका कोई भी फैंसी नंबर आपके लिए लकी नहीं होता, और आपका लकी नंबर जो है वो आपके लिए फैंसी नंबर्स नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक नंबर मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक नंबर है 8055123666, देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। 8055 को न्यूमरोलॉजी में बॉस नंबर भी कहा जाता है। 8055 यानी कि BOSS, बॉस, और 123 रेज हो रहा है नंबर, 666 और भी रेज हो रहा है नंबर। दिखने में तो बहुत फैंसी नंबर है, बट ये नंबर के पीछे काफी सारे डिफिकल्टीज है इस नंबर में। तो हमको ये जानना चाहिए कि मतलब जो फैंसी नंबर है वो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या तो फिर ये हमारे लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। उदाहरण के लिए और एक नंबर देता हूँ आपके लिए, 7396984155। देखने में तो बहुत सिंपल नंबर है, ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है, ज्यादा कुछ नोटेबल नंबर भी नहीं है, बट अगर ऑब्जर्व करेंगे आप इस नंबर में, नंबर 2 के अलावा सारे के सारे नंबर्स अवेलेबल है। 1 3 4 5 6 7 8 9, सारे नंबर्स अवेलेबल है। अपने मोबाइल नंबर में यही कोशिश करना है कि जितना हो सके तो उतना सारे के सारे नंबर्स रहे, और कोई भी नंबर 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 2 बार से भी ज्यादा रिपीट हो रहा है वो होना चाहिए आपके एंड में, यानी कि एंडिंग में 11111, 55555, 66666 हो सकता है। तो इससे ज्यादा रिपीटेशन आपके लिए अच्छी बात नहीं है। किसी किसी ने देखा होगा किसी का नंबर 7055555555 ऐसा कुछ रहता है, या किसी किसी के नंबर 7099999999 ऐसा भी होता है। तो हर एक नंबर एक पर्पस के लिए है, जो पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वही पर्पस उसके लिए फुलफिलमेंट होगा। हर एक नंबर आपके लाइफ में हर एक चीज को फुलफिलमेंट नहीं करेगा, नहीं कर सकता भी, ये चीज आपको
ध्यान रखना होगा। तो आपको मोबाइल नंबर टोटल्स में अवॉइड करने का जो नंबर्स है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, वो है 4, 7 एंड 8। ये कभी भी आपका मोबाइल नंबर का टोटल नहीं बनना चाहिए। और कभी कभार नंबर मोबाइल नंबर का जो टोटल 3 है वो भी डिफिकल्टीज दे सकते हैं आपके लाइफ में। डिफिकल्टीज यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे आप ट्रेनर हो या तो फिर आपका कोई टीचिंग का काम करते हो, कोई भी किस्म का टीचिंग अगर आप करते हो, ये आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा है, बट वो नंबर अगर आप पर्सनली यूज करेंगे तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा देगा 100%। तो नंबर 3 को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टेप 2, यानी कि हम लोग पहले नंबर्स को जाना, कुछ कॉम्बिनेशंस को जाना, फिर मोबाइल नंबर्स का कॉम्बिनेशंस को जाना, नाम के बारे में जाना, नाम करेक्शन के बारे में जाना, नाम का जो सिक्वेंशियल जो नंबर्स होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स है उसके बारे में भी जाना। अभी हम थोड़ा बहुत कमर्शियल्स के बारे में कोई बात करते हैं। कमर्शियल्स यानी कि बिजनेस में थोड़ा चाहिए। देखो, बिजनेस हर कोई बिजनेस डिपेंड करती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को लेकर। कोई भी स्टार्टअप कंपनीज मेरे पास आते हैं तो मेरा वर्किंग स्टाइल जो है थोड़ा अलग है। तो सब लोगों का नॉलेज इतना ही है कि मतलब न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी मतलब एक सेल फोन नंबर है, न्यूमरोलॉजी मतलब एक नाम है, न्यूमरोलॉजी मतलब एक ब्रांड है, बस इतना ही, और इससे अलावा कुछ नहीं है। बट मैं आपको सबको एक चीज बता दूं कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ ये चीज नहीं है, न्यूमरोलॉजी और कुछ है। जब भी हम लोग बिजनेस न्यूमरोलॉजी करते हैं, बिजनेस न्यूमरोलॉजी में कभी कभार प्रोप्राइटरशिप होती है, कभी कभार पार्टनरशिप होता है, कभी कभार प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक का भी कंपनीज होती है। तो जब भी हम लोग इस केसेस को हैंडल करते हैं, हमारा तरीका जो वर्किंग स्टाइल है वो अलग होना चाहिए। बिजनेस नाम या ब्रांड, ब्रांड का जो नाम है हमेशा हमारे बर्थ नंबर पे या डेस्टिनी नंबर पे आना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी आपको कहा है कि नाम यानी कि खुद का नाम या बिजनेस का नाम हमेशा हमारे बर्थ या डेस्टिनी नंबर के ऊपर आना चाहिए। बट जब बात आती है पार्टनरशिप की, तो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं पार्टनरशिप में, 10 लोग, 100 लोग हैं। आजकल तो शेयरिंग बिजनेस चल रहा है, हर किसी को शेयर मिल रहा है। कोई भी कंपनी का शेयर आप खरीदना चाहते हो आप खरीद भी सकते हो। उस केस में हम सारे के सारे मेंबर्स के डिटेल्स लेकर हम लोग न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजिस्ट के भी, न्यूमरोलॉजी का भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको जानना होगा। अगर हम लोग प्रोप्राइटरशिप की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप में कौन सा बिजनेस का हम लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, कौन सा कैटेगरी है, टेलरिंग शॉप है, बेकरी है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, ये कौन सी चीज के लिए हम लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है पहली बात। दूसरा चीज, उस व्यक्ति ने अगर फ्यूचर में कोई पार्टनर को ले आया है तो उस समय में क्या होगा, फिर दोबारा कंपनी का नाम हम लोग चेंज करेंगे, दोबारा हम लोग कंपनी का नाम करेक्शन करेंगे, दोबारा दोबारा हम लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये सारा चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी है वो अलग है। जितने भी लोग सोचते हैं ना कि मतलब नेम न्यूमरोलॉजी और बिजनेस न्यूमरोलॉजी दोनों एक ही है, तो इसका करेक्शन करेंगे तो उसका हो जाएगा, उसका करेक्शन करेंगे तो इसका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लॉजिक्स आप अपने न्यूमरोलॉजी पे, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी पे या पर्सन न्यूमरोलॉजी पे रख रहे हो, सेम लॉजिक आपको कोई भी ब्रांड के ऊपर या कोई भी कंपनी के नाम के ऊपर वो रूल्स काम नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना होगा, एक एक्स्ट्रा लॉजिक्स आपको वर्कआउट करना होगा, क्योंकि जब भी हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप में भी कुछ लिमिटेशंस है, पार्टनरशिप्स में भी कुछ कॉमन नंबर्स है, पार्टनरशिप्स में भी कुछ कॉमन लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, और पार्टनरशिप में भी कुछ लकी कलर्स, अनलकी कलर्स भी हैं। जब हम लोग प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड में जब हम लोग नाम डिकोड करते हैं, हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड में हम लोगों को नाम ऐसा करेक्शन करना होगा। लोग जो शॉर्टकट यूज करते हैं PVT LTD, उसका भी हम लोग कैलकुलेशन लेना है। जो प्राइवेट लिमिटेड जो फुल लिखते हैं उसका भी कैलकुलेशन हम लोगों को करना है।
और ये देखना है कि दोनों नाम का जो टोटल है वो, और वो फिर पॉजिटिव नंबर पे ही लैंड करना होगा। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस आपको देखना पड़ेगा। तीसरा चीज, जो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सिखाता नहीं है, और जितने चीजों की अब आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये अलग अलग करके अगर आप सीखेंगे भी, तो आपको कम से कम वर्स्ट केस में 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक आपको देना होगा ये सारा चीज सीखने के लिए। क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीजें हैं, मगर आपको सारा चीजों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन के साथ आप कोई भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो पहला हो गया कंपनी का नाम। अभी दूसरा हो गया, मैं आपको एक ग्रुप में शेयर करूंगा एक नंबर, एक विजिटिंग कार्ड शेयर करूंगा, वो विजिटिंग कार्ड के बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। नाम टोटल बहुत अच्छा है, टोटल 55 पे लेके आए हैं, बिजनेस नंबर है, और एक विजिटिंग कार्ड बनाए हैं बहुत बढ़िया, अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ, लोगो वगैरह सब बनाए हैं। और तीसरा चीज, मोबाइल नंबर भी अच्छा, बहुत अच्छा नंबर ले लिया, बिजनेस नंबर ले लिया, टोटल 55। अभी देखने वाली बात, समझने वाली बात है, जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर सब कुछ आपने ठीक किया है, तो व्यक्ति यानी कि क्लाइंट के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, और क्लाइंट आपके पास क्यों आ रहा है। तो मेरे क्लास में या मेरे ट्रेनिंग्स में, मेरे वर्कशॉप्स में आपको जो चीज मिलेगा, वो चीज कोई भी ट्रेनर खुल के नहीं देगा पहली बार, और इस ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर भी मिलेगा भी नहीं। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, मेरा एक स्टूडेंट है बैंगलोर से, उस स्टूडेंट का एक क्लाइंट है जो रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाता है बैंगलोर में, और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा चलता था रेस्टोरेंट, और इनफैक्ट उस रेस्टोरेंट का जो वास्तु है मेरे स्टूडेंट ने ही किया है, और कस्टमर फुटफॉल भी ठीक ठाक था, और मंथली रेवेन्यूज और कैलकुलेशंस देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा था। बट ऑल ऑफ अ सडन डाउनफॉल होते गया है होटल यानी कि रेस्टोरेंट, डाउनफॉल होते गया है, क्लाइंट क्लाइंटल भी कम हो गया, कस्टमर फुटफॉल भी कम हो गया है, और धीरे धीरे करके एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ गए हैं, तो धीरे धीरे करके अपने स्टाफ मेंबर्स को, वेटर्स को निकालना भी शुरू कर दिया है, और पता नहीं उसके मन में क्या लगा है। फाइनली एक बार वही कंसल्टेंट को मैं बुला लेता हूँ जो मेरे रेस्टोरेंट का वास्तु किया है, तो उस व्यक्ति को बुला लिया है, मेरे स्टूडेंट को बुला लिया, तो वहां पे गया तो वास्तु के हिसाब से तो ठीक था, कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि वास्तु ने तो इन्हें यही बंदे ने कर रखा है, और छोटे मोटे चेंजेस जो किए हैं वास्तु के हिसाब से, कलरिंग विलरिंग और बाकी के कुछ चेंजेस जो किए हैं, वो मतलब ठीक ठाक है, चलता है, कोई इशू नहीं है। तो केस जो है इसके हाथ से निकल गया, निकल चुका है इसके हाथ से, क्योंकि ये बंदा उतना ये नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ये ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा था कि वास्तु तो ठीक ठाक है और उसका जो रेस्टोरेंट का नाम है वो भी ठीक ठाक है, और रेस्टोरेंट नाम और लोगो है वो भी ठीक ठाक है, चलो कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत में प्रॉब्लम था बट फिर भी ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक था। वो केस मेरे पास आया, बोला कि सर ऐसा ऐसा इश्यू है। ठीक है, मैंने पूछा कि मतलब क्या हो रहा है उसके रेस्टोरेंट में, वो बोला कि सर कस्टमर फुटफॉल खत्म हो गई है, दिन में हार्डली 2 लोग या 3 लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 3,000, 5,000 या 6,000 का बिल हो रहा है दिन में, हालांकि उसका जो मंथली बिलिंग जो है यानी कि मंथली एक्सपेंडिचर है, उसको अगर हम उसके जो प्रॉफिट है, इनकम है, अगर उसको कोरिलेट करेंगे तो कोई भी संबंध नहीं है। तो मैंने पूछा उससे क्या क्या चेंजेस इन्होंने किया, वो बोले कि सर पेंटिंग चेंज किया है। ठीक है, मैं वास्तु का पॉइंट बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको एक इनसाइट दे रहा हूँ कि मतलब बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, और
आपको कैसे आइसोलेट करना है प्रॉब्लम्स को। बोला कि कलरिंग का चेंज किया मैंने, ठीक है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ये बात पूछा कि उसके साइन बोर्ड कुछ बदला क्या? वो बोला हाँ, साइन बोर्ड यानी कि लोगो और बोर्ड का। तीसरा जो पूछा था उससे मैंने कि उसका जो मेनू कार्ड होती है, मेनू कार्ड में कुछ कलर कॉम्बिनेशंस के बदलाव लाए क्या? बोला कि हाँ। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे फोटोग्राफ्स भेज दो, एक तो साइन बोर्ड का, एक तो विजिटिंग कार्ड का, एक तो मेनू कार्ड का, और जो कलर्स उन्होंने करवाया था मतलब रेस्टोरेंट में, वो सब फोटोग्राफ्स मुझे कर दो। तो सबसे पहले जो मैंने देखा है वो दो चीजें थे। मेनू के बारे में अगर मैं बात करूं, मेनू तो रेड कलर था, रेस्टोरेंट फायर से संबंधित है तो रेड कलर जरूर रहना चाहिए, तो मेनू कार्ड में मुझे कोई इश्यू नहीं दिखा। बात आती है साइन बोर्ड की। साइन बोर्ड में उन्होंने एक लोगो रखा था जिसमें टेक अवेज का एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। टेक अवे आजकल जोमेटो स्विगी सब कुछ चल रहा है, तो टेक अवेज का एक सिस्टम ऐड कर दिया था। और टेक अवे में एक भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो देखा था विजिटिंग कार्ड में और साइन बोर्ड में, उस टेक अवे में बंदा जो है, जो ट्रैवल करता है, जो स्कूटर पे ऊपर जो चलाता है, मतलब जो लोगो रखते हैं पिज्जा हट का, डिलीवरी का, वो बंदा जा रहा था राइट हैंड साइड, यानी कि आप ऐसा विजिटिंग कार्ड देखेंगे तो आपके राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड साइड ऐसा जा रहा था। तो ये फर्स्ट मिस्टेक था उसके विजिटिंग कार्ड और साइन बोर्ड में। चाहे लोगो हो, किसी का फेस हो, या कोई भी साइन हो, वो साइन हमेशा जब आप विजिटिंग कार्ड या साइन बोर्ड देखते हो, आपके लेफ्ट से राइट जाना चाहिए, राइट से लेफ्ट कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया पहला मिस्टेक जो हमने पकड़ा था विजिटिंग कार्ड और साइन बोर्ड में। बाकी का सब ठीक था, कलर कॉम्बिनेशन लोगों कुछ चेंज किया, लोगों का कलर वगैरह ठीक था। तो हमने सोचा ठीक है, यही एक इशू हो सकता है, इसको हम लोग बदल के देखेंगे। फिर अचानक मेरे जो ध्यान है विजिटिंग कार्ड पे चला गया। जैसे मैंने विजिटिंग कार्ड उठा के देखा था, विजिटिंग कार्ड में जो कलर कॉम्बिनेशन थी वो है ब्लू कलर। रेस्टोरेंट के बिजनेस में ब्लू कलर यानी कि पानी, रेस्टोरेंट बिजनेस आग का है, आग के ऊपर पानी आ गया तो बिजनेस कहां से चलेगा? तो हम लोगों को दो प्रॉब्लम्स मिल गए जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स और खतरनाक प्रॉब्लम्स है। हालांकि उस रेस्टोरेंट को क्लोज करने पड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज करना पड़ा था उस रेस्टोरेंट को। तो हमने एक काम किया, तो कंसल्टेशन मैंने कहा मेरा फलाना फलाना चार्जेस है, तो बोले कि ठीक है हम लोग पे कर देंगे। तो मैंने वास्तु के हिसाब से कुछ चेंज नहीं किया, बिकॉज फिजिकली मैं वहां पर मौजूद नहीं था, बट जो न्यूमरोलॉजी के लेवल पे जो मैंने चेंजेस करवाई थी वो है साइन बोर्ड, लोगो, लोगो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं डिजाइनिंग का, लोगो, साइन बोर्ड, और साइन बोर्ड के ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो, और विजिटिंग कार्ड। और वो जो बंदा लेफ्ट से जो राइट जा रहा था ना स्कूटर के ऊपर डिलीवरी करने, उसको हमने राइट से, सॉरी राइट से जो लेफ्ट जा रहा है ना उसको हम लोग लेफ्ट से राइट कर दिए थे, बस इतना ही हमने चेंजेस किए। यू डोंट बिलीव, विद इन 11-12 days उसका जो पुराना ग्राहक था, यानी कि जितना वो दिन में गल्ला करता था, यानी कि पर डे जो उसकी जो कमाई थी, उसका डबल ट्रिपल कमाना शुरू कर दिया। आज के तारीख अभी तक उसका दोबारा कॉल नहीं आया कि मेरे क्लाइंटल अभी कम है। तो अगर इस चीज को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में सिर्फ एक नाम नहीं है, एक नंबर नहीं है, इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो लोगो बनाते हैं वो लोगो किस शेप का होता है, कौन से रंग का होता है, वो उस व्यक्ति का जो लकी शेप है या तो फिर उस बिजनेस का लकी शेप है। कलर कॉम्बिनेशंस, उस व्यक्ति का कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं या तो फिर किसी और का, यानी कि उनके बिजनेस के कैटेगरी का कलर कॉम्बिनेशन है या बिजनेस का कैटेगरी का शेप है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल तो मेरे सामने दो लोगोस में देख पा रहा हूँ, एक नंदकिशोर आहिर जी का है और दूसरा सुरेश कर्णन जी का है।
जिसमें इन्होंने वास्तु के बारे में कुछ लिख रखा है, और इसकी जो कॉम्बिनेशन में देख पा रहा हूँ नंदकिशोर आहिर जी का, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ये सारा चीज इन्होंने यूज किया है, येलो ग्रीन और थोड़ा बहुत रेड भी है। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये कलर कॉम्बिनेशन आपको दर्शाता है एक ट्रेडिशनल कलर्स, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल कलर्स, यानी कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी इनके लिए ठीक ठाक कलर्स है। जैसे कि अभी सुरेश कर्णम जी का भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो येलो कलर है, येलो यानी कि गुरु है, ऑरेंज यानी कि सूर्य है, और ग्रीन यानी कि आपका बुध है। तो ये जो कलर्स है आपके जो नॉलेज के प्रतीक जो दर्शाते हैं, ये कलर्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहले क्या हुआ, नाम हो गया, नंबर हो गया, आपका बिजनेस नाम हो गया, और बिजनेस नाम का जो विजिटिंग कार्ड से वो भी हो गया कि कैसे देखना है, क्या देखना है, कलर्स क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है। अब बात आती है आपकी बैंक अकाउंट नंबर्स की। देखो बैंक अकाउंट नंबर्स का एक अलग सा ही न्यूमरोलॉजी का थियरी है, जिसमें हम लोग सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशंस रखते हैं, मगर ज्यादातर इस कॉम्बिनेशन में हम लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वो है 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 8 नंबर्स को हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं वेन एवर वी टॉक अबाउट बैंक अकाउंट्स। क्योंकि 4, 5, 6 आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी देती है, और आपके जो मनी है वो डबल ट्रिपल चपल करने का चांसेस है 4, 5, 6, 8 कॉम्बिनेशन में। और बैंक्स में भी आपको देखना है, बैंक का नाम डिकोड करना है, फॉर एग्जाम्पल ICICI है, HDFC है, या तो फिर SBI है, सिंडिकेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक है, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, आपको बैंक का भी नाम डिकोड करके देखना होगा कि ये बैंक हमारे लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि वो नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी ने जो मैक्सिमम रिजल्ट्स हमने जो फिगर आउट किया है वो है SBI बैंक और ICICI बैंक। HDFC बैंक में जिसका भी अकाउंट है या HDFC में जो भी लोन लेता है वो बहुत बुरे फेस में अपने लाइफ में गुजर चुका होगा, डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड का इशू है रहेगा उसका, मैं ज्यादातर क्रेडिट कार्ड का इशू रहेगा। और जो बंदा ICICI में बैंक बैंक में पैसा डालता है वो एकदम शांत रहता है, मतलब उसके सेविंग्स बढ़ते जाते हैं, आराम से बढ़ते जाते हैं। जो SBI से जो जुड़ा हुआ है, SBI से भी वही हालत है, क्योंकि आप नाम डिकोड कर लेना एक एक का, जो डिकोडिंग करने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है, डिकोड कैसे करना है, क्या करना है, डिकोड करके देख लेना कि उस बैंक का जो टोटल है आपके लक में आ रहा है या अनलक्की में आ रहा है, या पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, वो भी देखना चाहिए। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नाम नहीं, नंबर नहीं, बल्कि और कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। तो एक एक स्टेप आपको एलिमिनेट करेंगे तो आपको कोई भी अपने क्लाइंट का जो प्रॉब्लम्स है आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल हमारा कॉन्सेप्ट और जो टॉपिक था तो इतना ही है। मैं एक 15 मिनट के लिए सब लोगों को एक चांस देता हूं, अगर किसी को कुछ डाउट है पूछने के लिए तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जो ऑफ कैमरा है तो वो ऑन कैमरा के पूछेंगे तो और अच्छा रहेगा, या तो फिर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, ऑन कैमरा आ नहीं सकते तो चैट बॉक्स में भी अपने सवाल कर सकते हैं। तो किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी। किसी का कुछ सवाल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सीमा जी, हाँ, म्यूट 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 अनम्यूट कर लीजिए। घर का नंबर, फ्लैट का नंबर, वो कैसे यानी कि हम देखें? घर का नंबर और फ्लैट का नंबर हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, यानी कि आपका लक एनहांसमेंट करने वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसमें भी हम लोग कॉम्बिनेशन ये रखते हैं, 4, 7 और 8 नंबर का हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, ठीक है। 4, 7 और 8 नंबर को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस में लेते हैं। फ्लैट नंबर जब भी हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का फ्लैट का नंबर है 1401, यानी कि वो 14th फ्लोर पे रह रहा है बंदा, तो 4 + 1 + 1 = 6,
सिक्स उस व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ के लिए अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना पड़ेगा। अगर व्यक्ति 3 नंबर का है, बर्थ नंबर या डेस्क नंबर 3 नंबर का है और टोटल 6 हो रहा है, तो 3 के लिए 6 एंटी है, तो उसके लिए वो घर बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। दूसरा चीज, सेम रूल अप्लाई होती है टावर पे। जैसे कि आजकल तो फ्लैट सिस्टम, टावर सिस्टम आ गया ना, टावर ए, टावर बी, टावर सी, टावर 1, टावर 2, टावर 3। उसमें भी हम लोगों को ज्यादातर हो सके तो नंबर 4 को अवॉइड करना पड़ेगा। और जहां तक की बात आती है फ्लोर्स की, कि कौन से फ्लोर लेना है, कौन से फ्लोर नहीं लेना है, फ्लोर नहीं लेना है आपको 4 फ्लोर, 4th फ्लोर, 8th फ्लोर, या 4 का और 8 का जो भी मल्टीप्लीकेशन होती है, उस नंबर्स को आपके लाइफ में अवॉइड करना। ठीक है यार, और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर इस सेशन को एंड कर सकते हैं। और जो भी इस चीज को और जानने की कोशिश करना चाहता है या तो फिर जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उनके लिए हमारा एक वर्कशॉप आने वाला है 2 दिन का, 19th और 28th अगस्त को बैंगलोर में है ये, जिसमें जो भी चीजें हमने आज इस 1 आवर या 1.5 आवर के जो डेमो में हमने जो बात किया, वेबिनार में हमने जो बात किया है, इसके बारे में इन डिटेल्ड विथ प्रैक्टिकल्स, जैसे हमने एक नाम का डिकोड किया, एक कंपनी का एक हमने डिकोड किया, उसी तरीके से हम लोग 108 कॉम्बिनेशंस, 108 नंबर्स का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे क्लास में, और नेम करेक्शंस एज पर नक्षत्रास, एज पर नक्षत्रास या एज पर राशि हम लोग कैसे नेम करेक्शंस करना है वो भी देखेंगे, और नेम को कैसे फ्रेश करना है, किसी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको नाम कैसे देना है, कहाँ से कौन से अक्षर से लेना है और कितने लेटर्स का नाम होना चाहिए, कौन से टोटल पे हमें उसे लेके आना है, और कोई स्टार्टअप है, बिजनेस चालू कर रहा है, कौन से कैटेगरी का बिजनेस चालू कर रहा है, और उसमें उनको मोबाइल नंबर क्या देना चाहिए, लोगो का कलर क्या देना चाहिए, लोगो का शेप जो है वो क्या देना चाहिए, विजिटिंग कार्ड कैसे बनना चाहिए उसके, तो फ्रंट एंड बैक विजिटिंग कार्ड बनना चाहिए, तो सिर्फ फ्रंट बनना चाहिए, हॉरिजेंटल में बनना चाहिए या फिर वर्टिकल में बनना चाहिए, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन से आप सीखेंगे, और खास करके मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मगर कॉन्सेप्ट इतना इफेक्टिव है, चाहे आपके घर में कोई भी वास्तु रिलेटेड दोष हो, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड दोष हो, या तो फिर न्यूमरोलॉजी रिलेटेड दोष हो, एक छोटा सा मोबाइल नंबर के माध्यम से आपके अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो निगेट कर सकते हैं और अपने हैप्पीनेस को और बढ़ा सकते हैं, यानी कि अबंडेंस बढ़ा सकते हैं अपने लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी सारा कुछ बदल सकते हैं, और बहुत ही कम समय में आपको मोबाइल नंबर का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर यानी कि मोबाइल हमारे हाथ में रोज रहता है, रोज यूज करते रहते हैं हम लोग, 14 to 15 आवर्स हमारे हाथ में मोबाइल होती है, तो उसमें हम लोग अलग अलग कॉल्स आते रहते हैं, बट ये समझना होगा कि उसको यूज करने का तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, और कहाँ कहाँ पे आपको ये नंबर्स यूज करनी है। दूसरा चीज, मैं शुरुआत में भी कहा कि नंबर्स को कैसे कैसे एनहांस कर सकते हैं, जैसे कि किसी को डोनेशन देना है, फॉर एग्जाम्पल कोई चैरिटी में डोनेशन देना है या किसी बेकर को पैसे देना है, वो भी आप अपने लकी नंबर पे दें, यानी कि 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया या 5 रुपया या 1 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, जो भी है आपका जो लकी नंबर होती है उस नंबर पे अगर आप करेंगे, तो मतलब दिन में जहां जहां हो सकता है, टाइमिंग हो, पैसा हो, किसी से मिलना हो या कोई चीज खरीदना हो, या तो फिर अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग हो, सर्विसेज का जो प्राइसिंग हो, जैसे कि कोई कंसल्टेंसी करता है तो वो अपने लकी नंबर पे अपना कंसल्टेंसी का अमाउंट रखे, 5,000, 6,000, 11,000, 10,000, 55,000, जो आपका लकी नंबर है उस नंबर को एनहेंस करने के लिए आप अपने लकी नंबर का टोटल वो रखें। ठीक है, और कोई भी कंपनी स्टार्टअप होती है तो स्टार्टअप में हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं, इनफैक्ट जो मैं कोरोना का टाइम में जितना केसेस मैंने हैंडल किया, लगभग 250 केसेस मैंने हैंडल किया जो स्टार्टअप कंपनीज फेल्यूर हुए थे, तो फेल्यूर के रीजंस काफी सारे हैं, किसी का विजिटिंग कार्ड में दिक्कत था, किसी का नंबर में दिक्कत था, और किसी का पार्टनरशिप में दिक्कत था, कोई था उसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, किसी के पास दिमाग है वो मैनेज करने के लिए रेडी है, किसी के पास पैसा नहीं है बट मैन पावर सप्लाई के लिए, उसका मैन पावर सप्लाई करने के लिए उसके पास हिम्मत है, तो जब ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं
फिर भी बिजनेस नहीं चलता है, फिर भी बिजनेस डूब जाता है, क्यों डूब जाता है? तो ऐसे केसेस में मैंने जो रिसर्च किया था, लगभग 250 कंपनीज, जिसमें 60-70 कंपनीज के लोगों को जब हमने ये बात बताई कि ऐसा हुआ है आपके कंपनी के साथ, तो 60-70 कंपनीज हमारे पास जब अप्रोच हुए थे, तो वही लोगों से हमने दूसरे स्टार्टअप स्टार्टिंग करवाया है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करवाया है, जिसमें हम लोग डे वन से उनका मदद किया। यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट कब करनी है, कौन सा नाम लेना है, नाम का टोटल कितना होना चाहिए, और आपका कंसल्टेशन का या प्रोडक्ट का फीस कितना होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, साइन बोर्ड क्या होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड कौन सा कलर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर क्या रहना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग लोगों को, अलग अलग बिजनेस को अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं सोचना कि सर ने कुछ नंबर्स बताइए सबके लिए लागू है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस के जो कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज को भी हमको समझना पड़ेगा। ज्वेलरीज की जो कैटेगरी है वो नंबर 6 है, ज्वेलरीज फैशन की जो कैटेगरी है वो नंबर 7 है, तो 6 और 7 को अगर अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रख के करेंगे तो वो इसके लिए काम नहीं आएगा। रियल एस्टेट का जो बंदा है वो 8 नंबर उसके लिए काम करेगा, अगर यदि हम उसको 3 नंबर या 2 नंबर रखेंगे तो रियल एस्टेट बंदे के लिए काम नहीं आएगा। तो ये कैटेगरीज नंबर भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस 2 दिन का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर तो ग्रुप में है ऑलरेडी। हाँ जी सीमा जी, सर, कार नंबर जो है आपने कहा कि 7 नहीं होना चाहिए इवन जनरली, पर किसी का हो तो उसको कार नंबर कैसे करेक्ट करें? देखिए कार नंबर अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो नंबर के बगल में कोई भी एक छोटा सा लाल कलर का स्वास्तिक का स्टिकर लगा देना है, ठीक है, अगल बगल में स्वास्तिक 2 होनी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ओके, और दूसरा चीज, अगर आपके कार में छोटा सा एक पिरामिड मिलेगा, ब्रास का पिरामिड भी अगर आप रखेंगे तो उस नंबर का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। कॉपर का ना लगाए, क्रिस्टल का ना लगाए, हो सके तो प्लास्टिक या तो फिर ब्रास का ही लगाए, ठीक है, आजकल सिल्वर में भी मिल रहा है, सिल्वर का भी आप रख सकते हैं, प्लास्टिक ये क्रिस्टल का और कॉपर का अवॉइड करना चाहिए, बाकी का कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये मैं वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा, और जो भी मिस आउट हो गए वो ये वीडियो देख सकते हैं जरूर, और कोई भी इंटरेस्टेड है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द थैंक बेस्ट एंड गुड नाइट।